नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GSP के अनुसार सोयाबीन के प्रदर्शन के बारे में कि इस बार उसका प्रदर्शन किस प्रकार का है। किसान भाई, प्रदर्शन की अगर बात करूं तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपको इस बार 95.5 का देखने का मिलने वाला है। 50 दिन की सोयाबीन के का वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, और 50 दिन में जो स्टेज है उसकी सोयाबीन की, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताने चाहता हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर फल फलियाँ फूल फूल की स्टेज से सोयाबीन निकल चुकी है। 50 दिन की अवस्था हो गई है। कुछ कुछ फल है फूल है यहाँ पर जो छोटी अवस्था में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी लगभग लगभग ये सोयाबीन 50 दिन की अवस्था में फूलों की अवस्था से निकल चुकी है, और फलियाँ लगभग लगभग इस सोयाबीन में आज की स्थिति में है। 50 दिन की वेराइटी हो चुकी है ये देखिए। और भी बताता हूँ मैं आपको, और करीब से बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए किसान भाइयों, पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से फल ले चुकी है सोयाबीन। इस सोयाबीन का नाम किसान भाइयों अर्ली वेराइटी के नाम में सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे जल्दी पकने वाली फसलों में सोयाबीन की में इसका नाम सबसे पहले आता था, क्योंकि लगभग 90 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती है किसान भाइयों, जो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बताना चाहता हूँ डिटेल में। बहुत सारे किसान भाइयों ने इसको सोयाबीन को छोड़ दिया है, बोलते कि इसमें 5 पन वाली शिकायत है, और वाकई में इसमें समस्या बहुत सारे किसानों को देखने को भी मिली है। कारण भी है उसके किसान भाई, वो थोड़े से बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, पहला कारण तो ये बनता है कि अगर सोयाबीन में आपने इल्लियों का ध्यान नहीं रखा, यानी कि कीटों का इस वेराइटी में अगर आपने ध्यान नहीं रखा, तो यह समस्या आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इस वेराइटी में आपको समय समय पर दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है। पहला स्प्रे आपको 25 दिन में चाहिए, 20 से 25 दिन में, दूसरा आपको 45 से 50 दिन में चाहिए, और तीसरा आपको 70 से 75 दिन के लगभग इस वेराइटी में स्प्रे करना ही करना पड़ता है। अगर आप स्प्रे का ध्यान नहीं देते किसान भाइयों, कीटों का ध्यान नहीं देते, तो इसमें समस्या देखने को मिलती है। एक और चीज़ होती है किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो जल भराव वाले जो क्षेत्र है, जिनकी ज़मीन ऐसी है जिनमें पानी भराने की जो समस्या रहती है, उन क्षेत्रों में भी किसानों को इस वेराइटी का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी ये समस्या देखी गई है कि इसमें फलियाँ हैं बोल बहुत देर से लगती है, या फिर अफलन की स्थिति पैदा होती है। ये बात सही मायने में सच है किसान भाइयों, क्योंकि जहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है, यहाँ पर अर्ली वेराइटियाँ नहीं, आपको लंबी वेराइटियों का चयन करना चाहिए, ताकि वो पानी को जो सहन करने की उनकी क्षमता वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको दूसरी वेराइटियों का चयन करना चाहिए। एक तीसरी स्थिति और बनती है किसान भाइयों, इसमें जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिरता है जिस सीज़न में, जब कभी सभी ऐसा समय रहता है कि जिस वर्ष ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिरता है, तो वहाँ पर भी सोयाबीन में थोड़ी सी समस्या देखी जाती है, क्योंकि इसका जो स्टारवेशन डिजीज हो जाता है, यानी कि जो इसकी जो हाइट है वो कम रह जाती है या फल कम लेती है, तो एक स्थिति वहाँ भी देखी जाती है किसान भाइयों। तो वो तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस बार भी सोयाबीन की जो 50 दिन की फसल है, उस हिसाब से इसमें पर्याप्त मात्रा में फलियाँ हैं, अभी इल्लियों का प्रकोप नहीं है, क्योंकि हमने दूसरा स्प्रे इसका कर दिया, और तीसरा स्प्रे हम इसकी 70 दिन की अवस्था में ही करेंगे। 3 स्प्रे करते हैं लगभग लगभग हम किसान भाई, तो तीसरा स्प्रे होगा वो इंडोक्सा कार्ब का करेंगे, जो सभी प्रकार की बड़ी जो इल्लियाँ रहती है, जैसे तंबाकू इल्ली हो गई, फली खाने वाली जो इल्लियाँ रहती है, वो इस प्रकार की इल्लियाँ तीसरी स्टेज में देखने को मिलती है, तो उनके लिए हम इंडोक्सा कार्ब का प्रयोग करेंगे, जो मैंने वीडियो में भी मेंशन की थी ये बात कि आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिन किसानों के दिमाग में ये चीज़ है कि इसकी जो ये बात जरूर है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कुछ कम हो चुकी है, इस वेराइटी की रेजिस्टेंस पावर इसका गिर चुका है, फिर इसलिए तो समय से इस इल्लियों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इसके लिए एक वेराइटी और आई है किसान भाइयों, इसी उम्र के आसपास की वेराइटी है, GS 2034 वेराइटी है, वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन उसका देखने को मिल रहा है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा आपको, उसमें डिटेल में समझाऊँगा। तो किसान भाइयों, ये थी 95.5 सोयाबीन, जो इस बार का उसका प्रदर्शन है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की 2034 वेराइटी के बारे में कि इस बार उसका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया है किसान भाइयों। तो अगर आप भी वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें।